भागलपुर नौगछिया सहित अंग प्रदेश के लिए एक सौगात सोनाम मैरिज गार्डन। आप उत्सव मनाए, व्यवस्था हम करेंगे। शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, पार्टी सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला, जहां उपलब्ध है एसी एवं नॉन एसी कमरे, मंडप, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोनाम मैरिज गार्डन में। हमारा पता है सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नौगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9661904817, 7979-499-821। नवगछिया श्याम महोत्सव 2020 का भव्य आयोजन जमकर झूमे श्याम भक्त। श्री श्याम भक्त मंडल नवगछिया द्वारा आयोजित बाल भारती स्कूल गौशाला रोड में श्री श्याम महोत्सव का 30वां वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें कार्यक्रम के दूसरे दिन श्याम के भजनों पर श्याम भक्त खूब झूमे। पंडाल में ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो पूरा नवगछिया शहर बाबा को रिझाने में लगा हुआ है। भजनों की गंगा बहाते हुए जयपुर से सौरभ शर्मा द्वारा हारे का सहारा मेरा श्याम, घुघटियो ओ घुघटियो संजू शर्मा, धमाल किंग द्वारा तुम्हारी शरण मिल गई सांवरे, किसी के नैया का माझी बन जाता है जैसे भजनों की प्रस्तुति पर श्याम भक्त जमकर झूमे। इस आयोजन को सफल बनाने में अध्यक्ष अनिल केजरीवाल, उपाध्यक्ष रवि शर्राफ, पंकज कुमार सराफ, सचिव रितेश कुमार रुक्ता, उप सचिव वरुण केजरीवाल, उमंग वर्मा, कोषाध्यक्ष संजीव संदीप कुमार चिरानिया, उप कोषाध्यक्ष राकेश कुमार भरतिया, मीडिया प्रभारी अशोक केड़िया, श्याम दीवाने के सदस्य केशव शर्राफ, केशव उदयपुरिया, सौरभ रुंगटा, आयुष खेमका, रोहित यादुका, रौनक सुल्तानिया, राज सराफ, निहाल केजरीवाल, मानस चिरानिया, ध्रुव मावंडिया, अंकित केड़िया, आयुष अग्रवाल, दिव्यांश केड़िया, शुभम शराफ आदि लगे हुए थे। नवगछिया धूमधाम से मना आवासीय आइडियल विद्या मंदिर का वार्षिकोत्सव। नवगछिया अनुमंडल के गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत आवासीय आइडियल विद्या मंदिर में वार्षिकोत्सव
गुरुवार को धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार सिंह ने शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा अलग जलाने का वादा किया और अच्छे समाज बनाने का संकल्प लिया। विद्यालय में आयोजित वार्षिकोत्सव में सर्वप्रथम जिला अध्यक्ष भाजपा नवगछिया विनोद मंडल ने विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर केक काटा एवं विद्यालय के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वहीं कार्यक्रम में नवगछिया के सावित्री पब्लिक स्कूल के निर्देशक राम कुमार साहू, शिक्षक दिनेश शर्मा, कृष्णराम चौधरी, मणिकांत सिंह, संतोष चौधरी, सुमन चौधरी, माधुरी मैडम सहित कई अन्य उपस्थित थे। बताते चले कि गोपालपुर प्रखंड के हरनाचक में स्थित आवासीय आइडियल विद्या मंदिर में वार्षिकोत्सव के अवसर पर शिव गुरु परिचर्चा का भी आयोजन किया गया। अररिया से मोनिका गुड़िया, खगड़िया से ज्योति सोनी, बेगूसराय से ब्यूटी कुमारी सहित कई वक्ताओं द्वारा शिव गुरु की महिमा का बखान किया गया। वहीं शिव गुरु परिचर्चा का कार्यक्रम देर रात संपन्न हुआ। नवगछिया नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के लिए भाजपा का हस्ताक्षर अभियान शुरू। नवगछिया प्रखंड के नगरा में नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ अरुण कुमार सिंह कला संस्कृति मंच के जिला संयोजक के यहां से किया गया। इस अवसर पर नगरा के सरपंच शंभू सिंह सहित कई स्थानीय ग्रामीण थे। नवगछिया, शराब के नशे में हंगामा कर रहा युवक गिरफ्तार। नवगछिया थाना क्षेत्र के नवगछिया 0 माइल चौक पर बुधवार की देर रात शराब के नशे में हंगामा कर रहे युवक को नवगछिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक तितरी निवासी सोनू कुमार है। नवगछिया थाना अध्यक्ष राजकपूर कुशवाहा ने बताया कि सोनू देर रात शराब पीकर हंगामा कर रहा था और स्थानीय लोगों और राहगीरों से मारपीट कर रहा था। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। नवगछिया कैपिटल एक्सप्रेस ट्रेन से लवारिस अवस्था में 18 बोतल विदेशी शराब बरामद। कटिहार बनोनी रेलखंड के नवगछिया रेलवे स्टेशन पर बुधवार की देर रात कैपिटल एक्सप्रेस के जनरल बॉगी से लवारिस अवस्था में 750 ml का 18 बोतल विदेशी शराब को नवगछिया जीआरपी पुलिस ने बरामद किया है। जीआरपी थाना अध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जनरल बॉगी में जाँच किया गया, जिसमें एक बैग लवारिस अवस्था में पाया गया, जिसके बाद बैग का जांच किया गया, जिससे 18 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया। नवगछिया पुलिस द्वारा ट्रक से अवैध वसूली व रंगरासियों व थाना अध्यक्ष द्वारा ओवरलोड वाहनों को छोड़े जाने के विरोध में देगी धरना। ट्रक से डीजीपी के आदेश के बाद भी बांका भागलपुर के बीच पुलिस द्वारा अवैध वसूली किए जाने एवं पिछले दिनों रंगरा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान पकड़े गए ओवरलोड वाहनों को पैसे लेकर छोड़ दिए जाने एवं सरकार की राजस्व की क्षति पहुंचाने को लेकर रंगरा ओपी प्रभारी व सीओ पर कार्रवाई की मांग को लेकर 4 जनवरी से भागलपुर नवगछिया ट्रक ऑनर एसोसिएशन 0 माइल में धरना दे। उक्त जानकारी भागलपुर नवगछिया ट्रक ऑनर एसोसिएशन के प्रवक्ता बबलू मंडल ने दी। मौके पर उन्होंने कहा कि गुरुवार को नवगछिया मकनपुर चौक पर आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष डीएन सिंह ने कहा कि ओवरलोड ट्रक के परिचालन में जहां भागलपुर नवगछिया के ट्रक मालिक लगातार पहल कर रहे हैं, बाहर की गाड़ियां को पुलिस पैसे लेकर पास कराने का काम कर रही है। पिछले दिनों रंगरा में ओवरलोड वाहनों को पकड़ा गया था, जिसे सीओ और रंगरा थाना अध्यक्ष द्वारा छोड़ दिया गया। आइडियल विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया कक्षा नर्सरी से अष्टम तक पास की सुविधा के साथ नवगछिया का एक श्रेष्ठ स्कूल। प्राचार्य प्रमोद कुमार सिंह, हमारा मोबाइल नंबर है 9934261437 9934261437। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क जरूर करें। आवासीय विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया। नवगछिया की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति के साथ प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल NH 31 नवगछिया कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। हमारी विशेषताएं स्मार्ट क्लास, CCTV परिक्षेत्र, रेसिडेंटल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, कंप्यूटर एंड साइंस लैब, स्पोर्ट्स सहित कई आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ। हमारा पता है प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल NH 31 नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 88093-047-33, 73-68-91-47-33। IS IPS फाउंडेशन क्लासेस अब कक्षा 6-7 से ही UPSC की तैयारी शुरू। एक बार जरूर पधारें प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल। अब वाहन प्रदूषण जांच केंद्र आपके अपने मकनपुर चौक नवगछिया NH 31 पर। संपर्क करें शुभम धर्मकाटा, NH 31 अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सामने मकनपुर चौक नवगछिया। मोबाइल नंबर 9065282725। नवगछिया अपराधियों ने खरीक से नाबालिग युवती का किया अपहरण।
खरीक थाना क्षेत्र के खैरपुर से एक महादलित नाबालिग युवती को अज्ञात अपराधियों ने स्कॉर्पियो से अपहरण कर लिया। मामले को लेकर युवती के पिता ने गुरुवार को खरीक थाने में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई है। लड़की के पिता ने बताया कि 26 दिसंबर को मेरी बेटी अगले सुबह शौच करने गई थी। उस वक्त हम लोग सोए हुए थे, जब जगे तो रूम में बेटी को नहीं देखे, काफी खोजबीन किया लेकिन कोई पता नहीं चला। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार बेटी को खैरपुर उस्मानपुर के रोहित कुमार मंडल एवं राजेश मंडल ने उजले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में जबरदस्ती खींचकर जबरन बैठाकर अपहृत कर लिया। वहीं पूछे जाने पर थाना अध्यक्ष एसएन मिश्रा ने बताया कि मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी एवं युवती की बरामदगी के लिए छापेमारी की जा रही है। गोपालपुर, खुली डाक से जब्त सामानों की थाना परिसर में नीलामी आज। गोपालपुर थाना परिसर में शुक्रवार को खुली डाक से जब्त ऑटो, रासायनिक खाद, बोरा, सिलाई मशीन, बैटरी व खाली बोरियों को नीलाम कर प्राप्त राजस्व को सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा। उक्त जानकारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी रतन कुमार चटर्जी ने दी। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग के आला अधिकारी व थाना अध्यक्ष की मौजूदगी में जब्त सामानों की नीलामी की जाएगी, जिसके लिए प्रखंड के सभी अनुज्ञप्ति धारी उर्वरक विक्रेता को सूचित कर दिया गया है।